क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। चाचा जी भैया, पंछी चाचा नहीं रहे भैया, बाढ़ में खत्म हो गए, बाहर खाट पे सो रहे थे, 10 मिनट में कंधे तक पानी भरा है, बह गए चाचा जी, कुछ पता ना चला। नहीं गोपाल, तुम हिम्मत हारोगे तो इन बच्चों का क्या होगा। आओ अंदर आओ। अरे आप लोग नीचे क्यों बैठे हो? ऊपर बैठे आप। नहीं भैया ठीक है, आप ऊपर बैठे। आ जाओ बेटा। चलो आइए। क्या बताऊं भैया, आंगन में पानी बाद में पहुंचा, मैं लक्ष्मी और पारो को लेके बाहर की ओर भागा, देखा तो जैसे समंदर ही था, ना खेत ना खलियान ना मवेशी, रात भर में सब खत्म हो गया भैया, जैसे तैसे तैर कर पार पहुंचे। और ये पड़ोसी की बिटिया है, खजूरी और गणपत की बिटिया, इनके यहां तो कोई नहीं बचा, 7 जन थे, राहत शिविर में खड़ी रो रही थी, तो हम ले आए। गूंगी सी हो गई है बेचारी, कुछ बोल नहीं पाती। आप लोग राहत शिविर में कितनी देर रहे? पानी उतरने में तो 2 महीने लग गए, घर तो रहा नहीं, और हम ठहरे खेतिहार मजदूर, ये बटाईदार और किसान तो इधर उधर हो गए, अब तो बस गांव में चील कौए मंडरा रहे हैं। हम जैसे तैसे शहर की ओर भागे, पिछले 6 महीने से भटक रहे हैं। गांव में पहले से किसी तरह की कोई तैयारी नहीं थी बाढ़ की? किस बात की तैयारी, किस तरह की तैयारी? 8-10 दिन से लगातार पानी पड़ रहा था, जमुना नदी में भी पानी इतना भर गया कि उस छोर से लेके उस छोर तक सब कुछ बह गया, सब खत्म। हम भैया जैसे तैसे कर तैर कर वहां पहुंचे, सुबह होते होते तो सब कुछ पानी के नीचे था भैया। आप चिंता की कोई बात नहीं है, आप लोग यहीं रहिए। नहीं, हम कुछ दिन रह के चले जाएंगे भैया, मेहनत मजदूरी करेंगे, लेकिन हम आप पर बोझ नहीं बनेंगे भैया, पिछले 6 महीने से इधर उधर भटक रहे हैं, दाल रोटी का कहीं कोई जुगाड़ नहीं भैया। शहर में हर तरफ बाढ़ से सताए लोगों की भीड़, एक बार तो गांव लौटे भी, पानी तो उतर गया लेकिन पूरे खेत में बालू भर गया, फिर ये बोले बंसी चाचा के एक भतीजे हैं, सुना है बहुत नेक इंसान है, बंसी चाचा के पूरे परिवार में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। तुम्हारे गांव गए मुझे अरसा हो गया, बैठ जाओ। स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे तो छुट्टियों में चलाए जाया करते थे, चाचा जी की चिट्ठी भी कभी कभार आती थी, फिर तो बस पढ़ाई में ऐसे उलझ गए कि बंसी चाचा कहा करते थे कि हीरा से बेहतर विद्यार्थी पूरे जिले में नहीं, बाद में भी बहुत तारीफ किया करते थे, कहते थे कि हीरा का दिल बहुत बड़ा है, वो सब पर दया करता है, शहर का बड़ा काम छोड़कर गांव चला गया बच्चों को पढ़ाने, और हम अब आगे कहाँ जाएं। हमने सोचा कि और कौन है जिससे हम मदद मांग सकते हैं, तो भैया हम आपके पास आ गए। बहुत अच्छा किया, अब आप हमारे साथ रहेंगे, हम कोशिश करके आपको काम भी दिला देंगे। सरकार ने जो मुआवजा दिया था वो तो
कब का खत्म हो गया, अब तो फूटी कौड़ी भी हाथ में नहीं बची और ऊपर से ये बच्चे बीमार। चले जाएंगे भैया, तो एक दिन में चले जाएंगे, आपको तकलीफ की जरूरत नहीं होगी भैया, दो तीन दिन में चले जाएंगे हम। क्या बोल रहे हो गोपाल, भाई भी कहते हो और ऐसी बातें करते हो। परिस्थितियां जब हाथ से निकल जाएं तो बड़ों की शरण में जाना पड़ता है। अर्जुन को कृष्ण का सहारा था, लेकिन उन्हें अपने शौर्य का अहंकार नहीं था, ऐसा लिखा है इस गीता में। आप क्यों गीता पाठ करने लगे चाचा? हमने तो सुना था कि मन में क्लेश बढ़ जाए तो गीता पाठ करने से मैल दूर हो जाता है। पर मैंने तो ये भी सुना है माया जी कि अगर वक्त बिगड़ जाए तो ऐसे में मन में श्रद्धा बढ़ जाती है। समझ लो वक्त के लक्षण ठीक नहीं चल रहे हैं। खबर मिलते ही तुम दोनों आए, अच्छा किया। माहौल बहुत खराब हो चुका है, सोचा कुछ भरपाई कर दी जाए, कुछ लिया जाए, कुछ दिया जाए। बड़ा दिल है आपका चाचा, जो हमेशा देने की बात करते हैं, पर अब तक तो छल और कपट के अलावा इस बड़े घर से हमें कुछ नहीं मिला। अब किस चीज से चौंकाएंगे आप हमें? आपने हमें यहां क्यों बुलाया? अच्छा सवाल है, क्यों बुलाया? तुम्हारे चेहरे को देखकर लगता है कि जैसे तुम्हें सब पता है। चेहरे खैर, तुम्हारी एक चीज है हमारे पास। मैं आपकी बात समझी नहीं। समझ जाओगी, पर पहले हम एक कहानी सुनाएंगे, अनोखी कहानी। अभी अभिमन्यु, क्या हुआ? पहले चेहरे की हंसी गई, फिर चेहरे की रंगत। संभालो अपने आप को, तुम्हारा चेहरा तुम्हारा भेद खोल रहा है। संभालो संभालो। ये चेहरे अजीब हैं, ये चेहरे।
चंदा, चंदा, चंदा बेटा इधर आ। मेरी बच्ची, अरे रोते नहीं, मैं हूं ना तेरे पास, पानी पिएगी? उसे माँ बाप से अलग हुई है, उसकी आंख के आंसू रुकते नहीं, उसके मन में कुछ बैठ गया है जिसकी वजह से इसे चैन नहीं पड़ता। सुबह से इसकी भी तबीयत ठीक नहीं है, बेचैनी सी है शायद। इसे तो बुखार है, मुझे बताया क्यों नहीं? इन दिनों बुखार तो यूं ही लगा रहता है भैया, लेकिन कल से कुछ हाथों पैरों में ढीलापन है, शायद कुछ कमजोरी है। दूध पिलाती हूँ तो भी रोती है, शायद कुछ दर्द है हाथों पैरों में। इसके तो पैर भी ढीले और कमजोर लग रहे हैं और बुखार भी है, इसे तुरंत सब सेंटर ले जाना होगा। डॉक्टर साहब मिलेंगे वहाँ? हाँ, नर्स बहन जी हैं, वो दवाई दे देंगी और कहेंगी तो जिला अस्पताल डॉक्टर को भी दिखा लाएंगे। लाओ इसे मुझे दो और चंदा को भी ले चलते हैं। ये तो ठीक ही है भैया। एक बार नर्स बहन जी को दिखा लो, तुम लोग बाढ़ वाले इलाके से आए हो, वहाँ बीमारियों का काफ़ी खतरा रहता है। फिर पिछले महीने से खाना भी कहाँ ठीक रहा हुआ है इन बच्चों का। चलिए।